है गाइस, स्वागत है आपका एंगुलर के सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एंगुलर के सेटअप एंड इंस्टॉलेशन के बारे में। तो सब इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें नोड एंड npm को इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि हमें एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना होता है। अब आप पूछोगे कि एंगुलर CLI यानी क्या। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एंगुलर का मतलब कंपोनेंट क्रिएट करना जाए या सर्विसेज क्रिएट करना जाए तो सब कुछ हम कमांड से ही पूरी की पूरी एंगुलर की एप्लीकेशन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम एंगुलर का प्रोजेक्ट हमारे लोकल सिस्टम में क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एंगुलर के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन देखेंगे जिसकी मदद से आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले हम नोड इंस्टॉल करेंगे। तो नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके सर्च करना है नोड js। तो हमें नोड js ORG में चले जाना है। उसमें पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है डाउनलोड। तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ 2 टैब आई है, एक रिकमेंडेशन है और एक लेटेस्ट मतलब करंट है। मतलब करंट कभी मत मतलब आपको डाउनलोड करंट से कभी नहीं करना है क्योंकि उसमें बग हो सकता है, वो इतनी स्टेबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वही मतलब सजेस्ट करूंगा कि रिकमेंडेड जो है उसे ही आप डाउनलोड करें। तो आपको नीचे यहाँ पे डिफरेंट OS के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रही होगी, तो आप सिंपली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और विंडो के लिए यहाँ से और मैक OS के लिए यहाँ से। तो सिंपली हम विंडो यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके विंडोज़ के लिए अभी Node.js को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये सिंपली डाउनलोड अभी स्टार्ट हो गया है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद अभी वेट करते हैं डाउनलोड होने का। तो ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उस डाउनलोड के लोकेशन पे चले जाना है। तो सिंपली चलो ये डाउनलोड के ऑप्शन पे आ गए। तो आपको यहाँ पे नोड मतलब यहाँ एक फाइल दिखाई देंगी लेटेस्ट। तो उस फाइल को आप मतलब आपको उस फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो उसमें आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद लाइसेंस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। उसे एक्सेप्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे फाइल का पाथ चूज करना है जिस फाइल पे आप मतलब इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। फिर से नेक्स्ट करना है और यहाँ आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, वो एडिशनल टूल आप इसके साथ नोट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा वेट करते हैं डाउनलोड होने का, इंस्टॉल होने का। ये थोड़ा टाइम तो लेगा। तो ये इंस्टॉल होके यहाँ फिनिश का ऑप्शन आ गया, तो आप सिंपली यहाँ फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको CMD में जाके चेक कर लेना है कि मतलब ठीक से डाउनलोड हो गया कि नहीं, तो हम वर्जन चेक कर लेते हैं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे पहले npm का वर्जन चेक करेंगे। तो npm इंस्टॉल हो गया है, बाद में हम नोड का वर्जन चेक करेंगे। तो नोड भी इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हो मतलब दोनों के वर्जन डिफरेंस है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों के वर्जन डिफरेंट ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब CLI को इंस्टॉल करना है, एंगुलर CLI को। तो एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाके सर्च करना है एंगुलर CLI। तो जो पहली ही लिंक आएंगी तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करोगे तो पहला ही कमांड आपको यहाँ दिखेगा CLI इंस्टॉलेशन का। तो इसमें आपको यहाँ -g भी दिखाई दे रहा होगा, तो उसका मीनिंग है कि आप जो वर्जन जो इंस्टॉल करोगे वो ग्लोबली होगा। तो सिंपली हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं
CLI में जाके यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया और है अभी CLI इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं पूरा का पूरा इंस्टॉल होने का CLI। तो अभी CLI पूरा इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं वर्जन इसका कि CLI इंस्टॉल हुआ कि नहीं। उसके लिए आपको चेक करना होगा ng वर्जन। आप कमांड ऐड करोगे और एंटर प्रेस आप देखोगे तो नीचे दिखाई देगा कि 14 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा दूसरा काम था कि हम मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले थे। और आपको एक बात वो भी बता दूं कि इंटरव्यू में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मतलब आप वर्जन किस तरह से एंगुलर का चेक करें, तो ng वर्जन कमांड से हम वर्जन चेक कर सकते हैं। तो एक ए बी क्वेश्चन हो सकता है और एक ए बी क्वेश्चन हो सकता है कि CLI स्पेसिफिक वर्जन पे किस तरह से इंस्टॉल करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो CLI नॉर्मली कमांड होता है उसके पीछे आप @ करके आप यहाँ पे लिख सकते हो 10, 12, जो स्पेसिफिक वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहो एंगुलर का वो वर्जन आप पीछे ऐड कर सकते हो और एंटर प्रेस करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम अब सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। तो हम लिख देते हैं लर्निंग एंगुलर। तो अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट होने के लिए यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको राउटिंग भी साथ में चाहिए प्रोजेक्ट में। आप यस आपको चाहिए तो यस क्लिक कीजिए। और आपको CSI किस फॉर्म में चाहिए, CSS, SAS या इस तरह से। तो अभी हम नॉर्मल CSS सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट होने का वेट कर लेते हैं। तो गाइस अभी इंस्टॉल हो गया है प्रोजेक्ट। तो अब प्रोजेक्ट रन करने के लिए एक कमांड होता है। तो आपको सिंपली पहले तो इस फोल्डर में चले जाना है, इस फोल्डर के लोकेशन में। तो मैं यहाँ पे CD और लर्निंग एंगुलर लिख के उस प्रोजेक्ट के लोकेशन पे चला जाता हूँ। उस प्रोजेक्ट के लोकेशन में जाने के बाद आपको सिंपली लिख उस प्रोजेक्ट के लोकेशन में जाने के बाद आपको सिंपली लिखना है ng serve। आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट रन करने के लिए एंगुलर में कौन सा कमांड यूज होता है। तो आप सिंपली ng serve लिख सकते हो और उसे बता भी सकते हो कि ng serve से प्रोजेक्ट मतलब रन हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा वेट करते हैं तो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा रन हो जाएगा। तो गाइस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया है। तो अब हम क्रोम में जाते हैं। क्रोम में जाने से पहले मैं CMD में एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ लिखा हुआ है ओपन योर ब्राउज़र और यहाँ पे एक URL दी गई हुई है 4200 पे। तो हम उस पोर्ट पे जाके देखते हैं कि क्या है। तो आपको प्रोजेक्ट रन करने के लिए यहाँ लिखना है लोकल होस्ट 4200। तो यहाँ पे एंगुलर का प्रोजेक्ट डाउनलोड होके रन हो गया है। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।